बरेली में स्लो पॉइजन का खेल खुलेआम चल रहा है। ये स्लो पॉइजन लोगों को खाने वाले तेल के रूप में दिया जा रहा है। आपको बता दें, प्रेमनगर में रहने वाले हर्ष खंडेलवाल ने ऐसी ही एक ऑयल बनाने वाली कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मुकदमे में मुख्य रूप से लाल चंद्र एग्रो ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड ब्रह्मपुरा के राधेश्याम भाटिया कन्हैया लाल के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ था, लेकिन थाना पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही थी। आज भी मिलावटी तेल से गोरख धंधा जारी है। मौके पर पहुंचे पत्रकारों ने देखकर लेबर भाग खड़े हुए। जिम्मेदार विभाग ने सैंपल भी भरे, लेकिन संरक्षण देते हुए मामला रफा दफा कर दिया। गौरतलब है कि पुलिस प्रशासन व खाद्य विभाग इस मिलावट खोरी पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। इस संबंध में जब संबंधित अधिकारियों से बात करना चाहा, तो अधिकारी जानकारी देने से बचते नजर आए। निर्मल फूड्स परसाखेड़ी बरेली के हर्ष खंडेलवाल ने भी जी सर, क्या नाम है आपका? हर्ष खंडेलवाल। क्या करते हैं आप? मैं नमकीन का बिजनेस करता हूँ। किस नाम से? निर्मल फूड्स परसाखेड़ी। एक मामला हमारे संज्ञान में आया कि आपकी नमकीन में कुछ शिकायत मिली है। जी, स्मेल आने की। जी बिल्कुल। क्या है ये मामला? दिसंबर से चलता चला रहा है, क्या है? मैंने लालचंद एग्रो ऑयल्स लिमिटेड से, प्राइवेट लिमिटेड से ऑयल लिया था, जिसमें उन्होंने मुझे तेल ख़राब दे दिया जी, और उसकी वजह से मेरी नमकीन में स्मेल आना चालू हो गई। तो तत्काल मुझे मार्केट से सब माल उठाना पड़ा। लगभग कितना माल आपने उठा लिया हो? कितनी कीमत का माल आ गया होगा आपका? लाखों का, काफ़ी मेरा घाटा हुआ है उसमें, लाखों का नुकसान हुआ है। इसकी शिकायत तो आपने जिला प्रशासन से की थी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे की थी जी। तो उसके बाद ही FIR दर्ज हुई। FIR दर्ज हो गई है? जी जी बिल्कुल। कोई गिरफ्तारी? 13 तारीख को मेरी FIR दर्ज हुई थी। 13/12/2018 जी। कितने लोगों के खिलाफ हुई है? राधेश्याम भाटिया और कन्हैया भाटिया। क्या उनके फर्म के नाम भी है? जी, लालचंद एग्रो ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। इसमें कोई गिरफ्तार हुआ अब तक? नहीं, अभी तक कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ? पुलिस क्या कह रही है? पुलिस कहती है इन्वेस्टिगेशन चल रही है और रिपोर्ट्स वगैरह। कोई सैंपलिंग वगैरह आपकी नमकीन की या उनके तेल की हुई है? बिल्कुल बिल्कुल, सैंपलिंग हुई है। 21 में सैंपलिंग हुई है हमारे यहाँ से जी, नमकीन की जी। सैंपलिंग का कोई रिपोर्ट वगैरह आप तक आई? बिल्कुल, 21 की हमारी नमकीन की सैंपलिंग हुई थी और 22 तारीख को उनके ऑयल की सैंपलिंग हुई थी, जिसमें ऑयल अनसेफ बिल्कुल आया है जी। और उसके बाद भी कोई कार्रवाई उसके बाद उसके ऊपर नहीं की जा रही है। कोई तो विभागीय कार्रवाई क्यों नहीं हो रही उस पर? आपने विभाग से जानकारी जुटाने की कोशिश की? नहीं, वो लोग कोई जवाब नहीं देते हैं, सिर्फ लापरवाही है उनकी।